ये किसने बताया होगा कि सोमवार को ही अब एक्सरे होगा और इलाज होगा? ये हमसे नहीं मालूम, हमें नहीं पता। 2 दिन यहाँ पे पड़े रहेंगे? नहीं पढ़ रहे हैं तो नहीं, जिम्मेदारों से भी अभी बात कर रहे हैं। हाँ। ये 2 दिन तक इनका बिना इलाज के ही ऐसे 2 दिन पड़े रहेंगे? सोमवार तो चल ही रहा है, लेकिन एक्सरे की बात है तो एक्सरे और जो ऑपरेशन होगा आप सोमवार को होगा? अब ये तो डॉक्टर ही बता सकते हैं, लेकिन जब आप बता रहे हैं यूमो है आप, तो जब उसका हार्ट टूटा हुआ तो ये तो मामला थोड़ा सेंसिटिव है ना, तो फिर सोमवार को उसका अगर ट्रीटमेंट होगा तो क्या होगा ये मैं नहीं बता पाऊँगा, वो आर्थो सर्जन अपना जो मन तो करें। मैं ये जानना चाहता हूँ सर कि पेशेंट का हाथ टूटा है आज और सोमवार को बताया जा रहा है कि उसका एक्सरे किया जाएगा फिर ऑपरेशन होगा, तो पेशेंट 2 दिन में सर अगर उसे कुछ हो गया तो क्या होगा? आर्थो सर्जन देख लिए हैं, उनकी जैसी एडवाइज है वैसा होगा। तो अभी डॉक्टर से आपने मुलाकात की? डॉक्टर आए थे देखने? हाँ। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा आज और कल दोनों दिन बंद है, अब सोमवार को जो है इनका ऑपरेशन होगा। आप लोग संतुष्ट हैं क्या इस इलाज से? सोमवार को अगर आज इनको चोट लगी है, ट्रीटमेंट आज नहीं होगा तो कब होगा? हम लोग संतुष्ट नहीं हैं। नमस्कार, बदलेगा भारत देख रहे हैं आप। इस वक्त आजमगढ़ जिले के सदर अस्पताल में मौजूद हूं और आज सुबह रौना पार्क की तरफ एक बस जा रही थी और सामने से आकर एक ट्रक ने, विपरीत दिशा से एक तेज गति से आ रहे ट्रक ने टक्कर मार दी, जिसमें 7-8 लोग घायल बताए जा रहे हैं और इसी अस्पताल में, सदर अस्पताल में घायलों को लाया गया था। देखिए मेरे दाहिनी तरफ एक घायल मौजूद हैं जिनके हाथ में क्रैक आ चुका है, यानी कि इनके हाथ की हड्डी टूट चुकी है, सर में चोट आया है और उसमें भी टांके लगाए गए हैं, सर में भी इनके टांके लगाए गए हैं। और इस वाले बेड पे अभी थोड़ी देर पहले एक पेशेंट लिटाए गए थे जिनके पीछे यहाँ पे चोट लगी हुई थी और मुश्किल से 5 मिनट हुआ और वो यहाँ से चले गए। जब हमने उनसे पूछा क्यों जा रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि रुई लगा के सिर्फ एक पट्टी लगा दिया है, हमारा इलाज ढंग से या प्रॉपर तरीके से नहीं किया जा रहा है इसलिए हम जा रहे हैं। और यहाँ पे भी देखिए एक महिला है, इनकी तीमारदार हैं, परिजन हैं, थोड़ा इन्हीं से हम लोग बातचीत कर लेते हैं कि कितना इनको चोट आया है। पहले तो अपना नाम बताइए। बिंदु। बिंदु कहाँ के रहने वाली हैं? हाफिजपुर में। हाफिजपुर देवारा? आजमगढ़ में। हाफिजपुर? आजमगढ़ हाफिजपुर। हाँ आजमगढ़ हाफिजपुर में। अच्छा, ये हमारा जीजा लगते हैं। आपके जीजा लगते हैं? हाँ। ये कहाँ से? ये रौना पार। हाँ, यहाँ से आजमगढ़ से जाता रहना है रौना पार। रौना पार जा। हाँ। अच्छा, आ बस में बैठल रहना है, ट्रक वाला आके लड़ा दे। अच्छा। हाँ तो इन्हें हाथ टूट गया है। अच्छा, कपार में कई टाका लगल? 3 टका लगल है। अच्छा, शायद हाँ लगावत रहना, 3 टे लगल है ना, 3 टे शायद लगा। आपको पता है? टांका तो ये कई बार लगाए हैं, 2 टांका लगा शायद उसमें। कौन है इनके? हम इनके वो साड़ू। अच्छा, इनके साड़ू जी। अच्छा, आपके पति हैं यानी कि वो कौन है? आपके पति हैं। अच्छा, तो इनको हाथ इनका टूट गया है, सर में टांके लगे हैं, तो अभी डॉक्टर से आपने मुलाकात की? डॉक्टर आए थे देखने? हाँ। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा आज और कल दोनों दिन बंद है, अब सोमवार को जो है इनका ऑपरेशन होगा, हड्डी प्लास्टर लगेगा। अच्छा, सोमवार को इनको प्लास्टर लगेगा, 2 दिन अस्पताल बंद है, कोई डॉक्टर नहीं है क्या? अब तो यही लोग कह रहे हैं कि आज बंद हो गया, एक्सरे नहीं होगा। एक्सरे के लिए क्या बोला उन्होंने? एक्सरे बंद हो गया आज नहीं, अब सोमवार को होगा। अच्छा, सोमवार को एक्सरे होगा और इनका इलाज भी सोमवार को होगा? अब देखिए इलाज तो जो आपके सामने है जो कर रहे हैं। आप लोग संतुष्ट हैं क्या इस इलाज से? सोमवार को अगर आज इनको चोट लगी है, ट्रीटमेंट आज नहीं होगा तो कब होगा? हम लोग संतुष्ट नहीं हैं। रिश्तेदार है ना, घर वाले घर गार्जियन आ जाएंगे। अब हम मौका पे हम दरिया रानी हम आ गए नहीं है। वो तो ठीक है, आ जाएंगे, लेकिन इनको यहाँ पे अच्छा इलाज मिलना चाहिए। हाँ हाँ, मिलना चाहिए। कहाँ कहाँ चोट लगा है आपको? हमारे कहीं पजरी में लगा है, पूरा मुस्किल टूट के निकल गई है, हम गई थी। हाँ, सर में भी चोट लगा? हाँ, सर में भी चोट गया। कैसे ये हादसा हुआ था? ये हादसा हुआ था, सीधे बस निकल रही थी, पछू साइड से ट्रक आया, पूर्व साइड निकल रहा था, सीधा मारा है एकदम बस में। हाँ, बीच बीच आए, बीच से मारा है। हाँ, और ये बस इधर जाए, गेट के बगल में लगी है एकदम। हाँ, बच गए हैं, पीछे के आदमी भी बच गए हैं, सीधा ऐसे। अच्छा, बीच वाले घायल हैं? हाँ, हम तो बीच में ट्रक मारा है सर, बस के बीचों बीच से ट्रक की टक्कर मारी। अच्छा, अभी इनके घर वाले आ रहे हैं, आप लोगों ने सूचना दे दिया? हाँ हाँ। उससे मिलने का प्रयास नहीं किया? यहाँ पे डॉक्टर साहब कहाँ पे हैं?
डॉक्टर साहब कहाँ पे हैं, क्या मतलब डॉक्टर साहब आके देख के जा चुके? हाँ, देख के जा चुके। एक्सरे कब होगा? एक्सरे आप लोग कब आए भैया? सुबह में आए ना, तो एक्सरे हुआ है ना आपके पास? सोमवार को बोल रहे हैं एक्सरे करने के लिए डॉक्टर साहब, या जो भी जिम्मेदार हैं यहाँ के वो बोल रहे हैं सोमवार को एक्सरे होगा, सोमवार को ऑपरेशन होगा। तो यहाँ पे स्टाफ है? मैं समझ रहा हूँ भाई जी, आपकी बात को मैं समझ रहा हूँ, आप स्टाफ हैं, ठीक है, लेकिन आपने शुरुआत बड़े गुस्से में किया था। डॉक्टर साहब आए थे कि नहीं आए थे? नहीं नहीं आए थे। आप स्टाफ हैं तो आपकी भी जिम्मेदारी है। अभी ये दो दिन यहाँ पे पड़े रहेंगे ऐसे? नहीं पढ़ रहे हैं तो नहीं, जिम्मेदारों से भी अभी बात कर रहे हैं। हाँ। ये दो दिन तक इनका बिना इलाज के ही ऐसे दो दिन पड़े रहेंगे, सोमवार तो चल ही रहा है, लेकिन एक्सरे की बात है तो एक्सरे और जो ऑपरेशन होगा आप सोमवार को होगा। अब ये तो डॉक्टर ही बता सकते हैं, लेकिन जो दवा इंजेक्शन चलता है वो तो सुबह शाम इनका ट्रीटमेंट चल ही रहा है। इमरजेंसी में कोई डॉक्टर रहता है? बिल्कुल अभी है। अच्छा है डॉक्टर? हाँ, इमरजेंसी में बैठे हैं। ठीक है, आइए हम इमरजेंसी में भी चल के डॉक्टर साहब से बात करते हैं और पूछते हैं कि यहाँ पे आखिर डॉक्टर साहब को देखते हैं कि डॉक्टर साहब कहाँ, डॉक्टर साहब कहाँ पे बैठते हैं? डॉक्टर साहब थोड़ा आपसे मुझे बात करनी थी। डॉक्टर साहब आप ही हैं? और सर आपसे मुझे बात करनी थी। इमरजेंसी में जो अभी जो सुबह हादसा हुआ है, एक पेशेंट है उनका हार्ट टूटा हुआ है और उनसे उनका भी कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं किया जा रहा। वो बता रहे हैं कि सोमवार को बोला गया है कि इनका आप एक सेकेंड रुक जाइए, परिचय दे रहे हैं मीडिया से, आप देख रहे हैं बात कर रहे हैं, अब उसके बाद क्या परिचय देना है? हाँ बिल्कुल, मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर साहब से। तो मैं ये जानना चाहता हूँ सर कि पेशेंट का हाथ टूटा है आज और सोमवार को बताया जा रहा है कि उसका एक्सरे किया जाएगा फिर ऑपरेशन होगा, तो पेशेंट दो दिन में सर अगर उसे कुछ हो गया तो क्या होगा? हाथों सर्जन देख लिए हैं, उनकी जैसी एडवाइज है वैसा होगा। नहीं सर, ठीक है, उनकी एडवाइस है, वो अपने तरीके से बताएंगे। इमरजेंसी देख ली, इमरजेंसी यहाँ मैं ईएमओ के पोस्ट पे हूँ, हमने रिफर कर दिया आर्थो सर्जन के लिए, आर्थो सर्जन देख लिए। अब वो यहाँ पे आर्थो सर्जन कौन है? यहाँ पे है डॉक्टर विनोद कुमार। वो कहाँ है डॉक्टर? वो कैंपस में है। कैंपस में है? हाँ। तो जो ये बताया गया, आप तो इमरजेंसी जब आप बता रहे हैं यूमो हैं आप, तो जब उसका हार्ट टूटा हुआ तो ये तो मामला थोड़ा सेंसिटिव है ना, तो फिर सोमवार को उसका अगर ट्रीटमेंट होगा तो क्या होगा? ये मैं नहीं बता पाऊँगा, वो आर्थो सर्जन अपना जो मन तो करें, मैं उसमें कहाँ वही उन आपने सूचना दे दिया है कि उनका हाथ वो टूटा हुआ इस तरह का मामला है। हाँ, तो ये किसने बताया होगा कि सोमवार को ही अब एक्सरे होगा और इलाज होगा? ये हमसे नहीं मालूम, हमें नहीं पता। आपको नहीं पता? चलिए देखते हैं, डॉक्टर साहब को भी खोज लेते हैं हम। विनोद कुमार, क्या नाम बताया सर आपने उनका? डॉक्टर विनोद कुमार। किस तरफ बैठते हैं कुछ बता पाएंगे? ऑन कॉल आते हैं? ऑन कॉल आते हैं। आप कौन भी? आपका फार्मासिस्ट हम। फार्मासिस्ट जी। तो क्या उनको सूचना दी गई है डॉक्टर साहब? सूचना दे दी गई है, जितने पेशेंट आते हैं जिसके जगह उसको बता दे। अब वो आके देख लिए होंगे, वो जब भी जो भी उनको करना है 12 बजे का एक बजे का मैटर को लेकर के क्या कह रहे हैं कि सोमवार मैटर, हम लोगों 2 बजे के बाद ड्यूटी चेंज हो जाती है। इम्पोर्टेंट नहीं है। अच्छा, हाथ टूटा है, कितना टूटा है वो देख लिया गया। आप आपका परिचय सर? मेरा यचिन सिंह नाम है। यचिन सिंह, आपका मतलब काम क्या है, क्या करते हैं? हम रिटायर्ड चीफ फार्मेसिस्ट हैं। रिटायर्ड चीफ फार्मेसिस्ट हैं, तो मगर अगर जैसे मेरा हार्ट टूट जाए सर और उसमें ये हो कि ऑपरेशन करके सरिया डालना होगा, तो एक्सरे की ज़रूरत नहीं है कि कितना टूटा है, कैसे टूटा है? अभी उसको जो तकलीफ है, जैसे पेन है या ब्लीडिंग जा रहा है, उसको हम पहले उसको मेकअप कर, एक मिनट रुक जी, उसको हम इलाज कर रहे हैं। हम कल छुट्टी का दिन है, ठीक है, छुट्टी के बाद इसका सोमवार का होगा, जैसा एडवाइज करेंगे आर्थोपेडिक सर्जन वैसे एक्सरे होगा। अगर वो लिख देंगे अर्जेंट तो आज भी होगा। पेशेंट की जो हाँ, पेशेंट की स्थिति गंभीर है, तो सोमवार नहीं है ना, ये आप नहीं बता सकते, अनकॉन्शियस नहीं। हाँ, तो आप ये हाथ टूटा हुआ है तकलीफ में, मेरे सामने, हाँ जी, मेरे सामने सर, नहीं नहीं नहीं, मेरे सामने ही एक व्यक्ति प्रॉपर इलाज ना होने की वजह से अपने मतलब घायल को ले रहे हैं। मेरे पास उसकी फुटेज है। फुटेज हैं तो कैसे प्रॉपर इलाज नहीं है, ये क्या फुटेज है? जब यही कहा कि आप इलाज ढंग से कनेक्शन आप कर रहे हैं, डॉक्टर को देखिए, स्टाफ नर्स को देखिए, ये तो पता चल ही गया ना कि चोट आज लगी है, हाथ टूटा है, आप लोग सोमवार को उसका सोमवार को कह रहे हैं एक्सरे मतलब एक्सरे करने वाला टेक्नीशियन नहीं है यहाँ पे है, तीन तीन है, कैसे बात करें कि नहीं है, तीन तीन है, कॉल करके बुलाया जा सकते हैं। हाँ, तो वह इमरजेंसी कॉल होगा तब आएगा, तो
वही मैं जानना चाहता हूँ हुआ नहीं तो अभी अभी नहीं अभी नहीं हुआ, ऐसी जरूरत भी नहीं पड़ा, जरूरत पड़ेगा किया जाएगा, ऐसा नहीं है। तो आप रिटायर्ड हो चुके हैं है ना, लेकिन आपके बयान को हम ऑफिशियल तीन तीन सीएमओ काम कर रहे हैं। अच्छा, आपको नहीं मालूम क्या? अभी नहीं, मुझे नहीं पता, बता ही दीजिए। अरे अब क्या बताएं, जब आपने कहा रिटायर तीन तीन सीएमओ, एक नहीं और पूछे प्लस। जैसे मैंने उनसे बात किया जो ईएमओ साहब बैठे हैं, तो बीच में आपने इंटरप्ट किया, वही वही मैं जानता जी, तो हम जानते हैं। आप प्रश्न करिए, आपकी बात को मान लिया जाएगा, आप जो ये बयान दे रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल माना जाएगा, कार्यक्रम रूप से आपका प्रश्न है उसका उत्तर दिया जा रहा है। चलिए तो ठीक है, ईएमओ साहब डॉक्टर साहब को बता दिया गया है, और टेक्नीशियन एक बजे का मामला है, हम लोग दो बजे से आए हैं। अच्छा हाँ, तो कोई आपको बताया तो होगा ना जो आपके पहले था यहाँ पे? नहीं ऐसा, तो जब तक आप रहेंगे तब तक आपकी जिम्मेदारी है ना? हाँ जिम्मेदारी है, लेकिन जब स्पेशलिस्ट देख लिया तो हमारी जिम्मेदारी खत्म हुई हो जाती है। अच्छा हाँ, अब चलिए ईएमओ साहब से हमने बातचीत किया, यहाँ से पेशेंट जो है कुछ जो घायल थे वो अब यहाँ से एकाध दो तो मेरे सामने ही निकल गए, और एक एक पेशेंट का एक घायल का हाथ टूटा हुआ है, रिटायर्ड फार्मासिस्ट साहब ने सीनियर बताया ना अपने चीफ बताया, तो इन्होंने बताया कि कभी कभी ऐसा होता है कि हार्ट टूटने का एक्सरे करना ज़रूरी नहीं होता, वो ऑपरेशन के दौरान देख लेंगे। बहरहाल हम कोशिश करेंगे कि डॉक्टर साहब को भी हम लोग ढूंढ लें, और देखते हैं कैंपस में विनोद कुमार जी हमें कहाँ मिलते हैं। ये हाल है सदर अस्पताल आजमगढ़ का, और किस तरह से यहाँ इलाज होता है आप देख लीजिए अपनी आँखों से। सरकार के मंत्री आते हैं और खूब बढ़िया से दावा करके जाते हैं कि ऑल इज़ वेल, और करोड़ों रुपया जो हर महीने लोगों की ज़रूरतमंद लोगों के इलाज पे खर्च किया जाता है उसकी वानगी ये है सदर अस्पताल में, कि एक भीषण दुर्घटना में घायल लोग उनके परिजन घायलों को अब अस्पताल से लेकर बाहर जा रहे हैं और कह रहे हैं कि यहाँ पे प्रॉपर इलाज हमें नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से हम अपने घायल व्यक्ति को अपने जो घायल व्यक्ति है उसको लेकर के दूसरे अस्पतालों में जा रहे हैं, प्राइवेट अस्पतालों में जा रहे हैं। तो ये हाल है आजमगढ़ में स्वास्थ्य सेवाओं का, जिसका ढिंढोरा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी पीटते हैं और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जो हैं वो भी पीटते रहते हैं कि उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएँ बेहतर, वो कितनी बेहतर हैं आपने उसकी वानगी देखी। हम एक फुटेज दिखा रहे हैं आपको जिसमें जो घायल के परिजन हैं वो अपने उस घायल व्यक्ति को ले जा रहे हैं और बता रहे हैं हमें कि साफ तौर पर उन्होंने कहा कि हमारे मरीज का यहाँ पे इलाज नहीं हो रहा है सही से, इस वजह से हम जा रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ हमने ईएमओ से इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर से बात किया और किस तरह से उनका जवाब गोल मोल आया है इस मामले में कि एक व्यक्ति घायल पड़ा, उसका हाथ टूटा हुआ है और हाथ टूटने के बाद उसके सर में टांके भी लगे हैं, और उसको बताया जाता है कि सोमवार को तुम्हारा एक्सरे किया जाएगा, उसके बाद तुम्हारी चोट का आकलन किया जाएगा, उसके बाद तुम्हारा इलाज किया जाएगा। यानी कि किस तरह की लापरवाही आपको उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के सदर अस्पताल में देखने को मिल रही है, आप देखिए समझिए, और जनता के साथ किस तरह से जो सरकारी सिस्टम है, सरकारी मशीनरी है, किस तरह से धोखाधड़ी करती है, किस तरह से धोखेबाजी करती है, ये उसका एक छोटा सा नमूना मात्र है। तस्वीरें इससे भी भयावह हैं, और हम आपसे वादा करते हैं कि उत्तर प्रदेश ही नहीं देश के कोने कोने से सच्चे भारत की सच्ची तस्वीर आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, और हमें लगता है कि हमारी इन्हीं कोशिशों से एक दिन जरूर बदलेगा भारत। जय हिंद।